बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी सिखाने जा रही हूँ ये शामी कबाब की है। मैं ये आपको बगैर चॉपर या बगैर सिल के बहुत ही कम मेहनत में मज़ेदार से शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और रेशे वाले बन के तैयार होंगे। तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रेशे वाले शामी कबाब बगैर सिल या चॉपर के जो है वो किस तरह बनाए जा सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में, और इसको आप 3 महीने तक फ्रोज़न करके भी खा सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपके भी शामी कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेशे वाले बन के तैयार होंगे। 3 कप जो है वो मैं चने की दाल लूँगी और इसको जो है साफ़ पानी से धोकर साइड पर रख लूँगी। अच्छा, ये मैं 2 किलो जो है वो गाय के गोश्त का बना रही हूँ, तो 2 किलो गाय के गोश्त के अंदर 3 कप चने की दाल जो है वो डलेगी। हाफ़ क्वांटिटी में डलेगी, जितना गोश्त होगा उससे आधी क्वांटिटी में आपने दाल डालनी है, तो बहुत ही अच्छे रेशे वाले बन के तैयार होंगे। मैंने ये देखे 2 kg गाय का गोश्त ले लिया था, उसके अंदर जो है अपने चने की दाल डाल दी। इसके बाद कुछ खड़े मसाले चाहेंगे, तेज़पात, दालचीनी, लौंग और क्या, काली मिर्च, एक बादियान का फूल और बड़ी इलायची, ये इसमें डालेंगे। और इसके बाद जो है मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया था। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी 1 टेबल स्पून जाएगी इसके अंदर, और इसके बाद जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी 1 टेबल स्पून जाएगा। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसके अंदर जो है मैं पानी डालूँगी, इतना पानी डालूँगी कि ये पानी मैं अच्छे तरीके से भीग जाए और इसको मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसको जो है ना कुकर में बना सकते हैं, आप इसको 10 मिनट की सीटी पर छोड़ दें और उसके बाद जो है आपका गोश्त अच्छे से गल जाएगा, लेकिन मैं इसको कुकर में नहीं बना रही, मैं इसको पतीली में बना रही। तो हाफ़ ढक्कन ढक के जो है ना आप उसको 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद जो है ना मेरा गोश्त जो है वो गल चुका था और मैंने इसको चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, ये ठंडा हो गया था। ठंडा होने के बाद जो है मैं ना गरम गरम ही को मैंने जो चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स किया था, तो ये गोश्त और दाल इतनी गल चुकी थी कि आपस में मिक्स हो चुकी थी। इसके बाद जो है ना मैंने इसको घोटे की मदद से जो है ना इसको अच्छे तरीके से मैश किया। मैंने इसमें बहुत ताकत नहीं लगाई, ये इतना अच्छा नरम गल चुका था, इसको जो है ना बहुत ज़्यादा घोटने की ज़रूरत ही नहीं थी। बस मैं जस्ट अपना इसके ऊपर घोटा रखती थी और ये खुद ही मिक्स हो जाता था। तकरीबन जो है ना आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। इससे ना बोटी के बहुत अच्छे से रेशे बनेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से भी जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं, तो ये बआसानी जो हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए घोटा इस्तेमाल करें। आप ये देख सकते हैं इस वक्त कितना अच्छा रेशे वाला मेरा जो है वो शामी कबाब का मसाला तैयार हो चुका है, और गोश और दाल जो आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं कुछ साबुत मसाले डालूंगी। भुनी हुई और पिसी हुई खशखश जो है वो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाली थी। उसके बाद पिसा हुआ और भुना हुआ जो है वो ज़ीरा, वो भी 2 टेबल स्पून जाएगा। और उसके बाद पिसा हुआ और भुना हुआ जो है धनिया, वो भी 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें। इसके बाद मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला था 1 टेबल स्पून। गरम मसाले से जो ना बहुत अच्छी सी टेस्ट और खुशबू जो इसके अंदर आएगी। इसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और डालूंगी। जब मैंने इसको उबाला था उस वक्त भी मैंने इसके अंदर जो है गोश्त में नमक डाला था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, इसमें पहले आप चख लीजिएगा। ये तमाम ड्राई मसाले मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप देखें कितने अच्छे से ये रेशे वाले तैयार हुए। आप ना अगर आपके पास घोटा नहीं है तो आप इस तरह से हाथ से भी इसको ना पहले भी मैश कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अच्छे से इसको मैं आपस में जो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद ना इसके अंदर मैं 2 अंडे ले लूँगी और इनको फेंट के ना डालूँगी। ये स्टेप जो है ना आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, इससे ना आपके कबाब की बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। और सबसे मज़े की बात ये कि आप ना इसके अंदर फिर आपको ऊपर जो है कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं, अंडा वगैरह आप इसको जस्ट फ्राई कर सकते हैं और आप इसको फ्रोज़न करके फ्रिज में रख सकते हैं। और आप जब आपका दिल चाहे कोई मेहमान आए नाश्ते में, बच्चों को लंच में देना हो, तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। इसके बाद ना इसके अंदर मैंने पुदीना की 1 खट्टी और 1 जो है मीडियम प्याज जो है वो इसके अंदर डाल दिया था, और इसमें लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल दी थी मैंने, और उसके बाद 6 जो है वो हरी मिर्चें वो भी मैंने जो है इसके अंदर कुतर के इसके अंदर डाल दी थी। और इसको भी जो है ना मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब जो है मेरे कबाब का मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। आपने इस वक्त ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद जो है अब इसको मैं कबाब बना के रख लूँगी। और मैंने ना इसको एक आप इस तरह से एक कंटेनर ले लें और इसमें आप इसको बना के रख लें। तकरीबन मेरे 2 kg के अंदर जो है ना 70 कबाब जो है वो बन के तैयार हुए थे, और मैंने अच्छे बड़े बनाए थे। और ये अपना मेरे 1.5 महीना आराम से मेरा निकल जाएगा। हम इसको नाश्ते में भी खाएंगे, बच्चों को लंच में भी देंगे, तो ये जो कि मेहमान भी आ जाए तो आप जल्दी से इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये जो है ना
बहुत ही अच्छी सी और बजट फ्रेंडली सी एक आपकी जो है ये रेसिपी है। और इससे सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी आप इसके अंदर घोटा वगैरह आपने इस्तेमाल या चॉपर नहीं इस्तेमाल किया, आपने इसको झटपट से ऐसे ही रेडी कर लिया है। आप ये देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। अब मैं इन सब को जो है ना ऊपर से कवर करके फ्रीज़र में रख दूँगी और इसमें से कुछ मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अच्छा, मैं ना फ्राई बड़े देसी तरीके से करती हूँ, इसको मैं तवे पे करती हूँ। जस्ट एक टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालते हैं, उससे ना ऑयल बहुत कम इस्तेमाल होता है। और इसके बाद ना मीडियम फ्लेम पे जो है ना इसको पलट पलट के जो है अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो ये जो है ना कुरकुरे से बड़े अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, गोश्त गला हुआ तो होता है, जस्ट ऊपर से फ्राई करना था। आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने अंडा डाला है। और मैं अभी दूसरी तरफ जो है बाकी अपना खाना भी प्रिपेयर कर रही थी। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हुए हैं। मैं आपको जो है ना ये तोड़ के भी दिखाऊंगी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेशे वाले बन के तैयार हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा इसका रेशा वाला जो है मेरा शामी कबाब बन के तैयार हुआ है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, बस हमारी हौसला अफजाई हो जाती है इससे। बहुत जल्द एक मज़ेदार रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।